तो हाय एवरीवन नमस्ते सस्वेकार केम छो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सो मैं हूँ वैशाली ऑर्गेनाइजर्स मेंटोर हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन एंड फॉर यू ये आपके लिए है वेरी हैप्पी रक्षाबंधन गाइस सभी को मेरी तरफ से और साथ ही साथ आज जैसे कि रक्षाबंधन है आई विश आई होप कि आपने राखी बांध ली होगी अपने भाइयों को ठीक है और आपको बहुत सारे तोहफे भी मिल गए होंगे गिफ्ट्स भी मिल रहे होंगे और बस मेरा गिफ्ट ये है तो मैं एक वर्चुअल राखी आप सभी को बांध रही हूँ और आ, मेरा मुझे गिफ्ट ये चाहिए कि आप कंसिस्टेंट बने रहें क्लास में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं और सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है मतलब सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी को तो गाइज वेलकम टू सी टी बाई आटर ट्वेंटी फोर सेवन गाइज़ आई नो मोस्ट ऑफ़ यू माइट बी बिजी ठीक है अब अभी घर में पकवान बन रहा होगा सुबह सुबह राखी जो है बांधी गई होगी तो आज सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आज राखी ऑब्जर्व uh, की जा रही है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी तो प्लीज़ क्लास को बाद में लगाई

पूरा निचोड़ पूरे मंथ का ठीक है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ एज यूल नो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ, साथ स्टैटिक जी के भी करते आ रहे हैं ठीक है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके सेशंस होते हैं तो कोई भी सेशन आप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए फिर बाद में हार्म हो जाएगा ठीक है तो सेशन्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ठीक है आगे देखते रहिएगा बने रहिएगा सेशन्स में अरे प्रकृति मोना थैंक यू थैंक यू सो मच ब्लैक जविल हाय हाय नाते आर यू साफ स्वीट एडिट्स ओके देन जामिया ओके देन प्रकृति एक 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 बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आगे बढ़ते हैं गाइस इसी के उपलक्ष्य में आई वुड लाइक टू टेल यू कि रक्षाबंधन का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और आज थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट है तो आज गईज आज आपका लास्ट डेट है इस ऑफ़र का एंड होने का तो कूपन कोड यूज़ करना है वाई और इस कूपन कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपके सारे बैचेस पर जो आपकी स्टार्ट होने वाली है अर्जुन बैच या फिर वो महापैक हो या टेस्ट सीरीज हो या ई e बुक्स हो तो so, सभी पे आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ यू नो ट्वेंटी परसेंट और ये सिर्फ ऑफर आज के लिए वैलिड है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निकिता गुड मॉर्निंग सेल्फ लवर ठीक है कूपन कोड यूज करना है वाई फोर फाइव फाइव चलो आगे बढ़ते हैं एज दॉट ऑफ द डे से जीवन में मौका तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है अक्सर हमारे यू नो हमारे पूरे सिनारियों में हम देखते हैं हमारे जो हमारा बचपन से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस है आ, हम सभी देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिली होंगी है ना अपने आप को प्रूफ करने की बार 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 मिलती है लेकिन आ, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कभी हम पहचान नहीं पाते ठीक है और जब आप पहचान लेते हैं कि नहीं हमारी ये अपरचुनिटी है और हमें अपना जीवन बदलना है और अगर आपने कड़ी मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त जरूर करोगे तो आप आपको हर एक स्टेप पर ऑपरचुनिटी मिल रही है तो उस ऑपरचुनिटी को ग्रैप करें कड़ी मेहनत करें और उस जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाएं ठीक है इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं सुशील कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन आज सभी कहाँ गए हैं सब हमें लग रहा है नानी के घर गए हैं ना चलिए आई नो यू आर आर रेडी फॉर दी सेशन कोई भी डाउट्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं वैशाली डॉट पांडे एट द रेट ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम उसके साथ ही साथ ये जो न्यूज़ हैं ये आपके सारे न्यूज पेपर्स हैं हम कवर करेंगे ठीक है और सी यू टी दो हजार चौबीस के लिए आज हम ऑगस्ट मंथ मंथ की करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्लियर है गाइस क्लियर एक बार फटाफट से धुआधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे सुशील प्रकृति सचिन मुकेश शुभ अदीबा आई टीजेड एम आर अमर क्रिएशन सेल्फ लवर शुभ तिवारी गुड मॉर्निंग एवरी वन अंकिता गुड मॉर्निंग चलिए आगे बढ़ते हैं तो फटाफट फड़ से हमारी जो uh, मंथली की इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम कवर करेंगे उसके बाद एमसीक्यू सेशन कवर करेंगे और आई थिंक माइट बी सेशन थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स का होगा लेकिन एकदम सेल्फ एक्सप्लेटरी होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज यू ऑल नो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू यहाँ पे स्प्रेड हुआ था ग्लोबली जहाँ पे 49 कंट्रीज एफेक्ट हुई थी सिंस टू थाउजेंड इसके बारे में थोड़ा अगर हम बा बात करें तो हम सभी को पता है कि जनवरी टू थाउजेंड में क्या हुआ था कि uh, आपका अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा गाइज़ यहाँ पर फैल गया था और अब तक अगर हम बात करें तो फोर्टी कंट्रीज इस चीज़ से अफेक्टेड है ठीक है अगर हम ऑगस्ट टू में बात करें। ये जो है, बेसिकली पिक्स में अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुशील ठीक है सुशी। तो ये जो इसकी स्किन होती है तो ये कुछ ज्यादा ही रेड हो जाती है साथ ही साथ हाई फीवर आने लगता है इसके जो सिम्टम्स हैं इनको वॉमिटिंग होने लगती है और यहाँ पे डायरिया के भी काफी ज्यादा Uh, यहाँ पे सिम्टम्स पाए गए हैं ठीक है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस स्वाइन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से इफेक्ट हुई हैं जैसे आपका मंगोलिया है चाइना है नॉर्थ कोरिया वियतनाम लायोस, कम्बोडिया और वियतनाम में देखा जाए तो 2.8 मिलियन पिक्स ऐसे हैं जो इस बीमारी से यहाँ पे इफेक्ट हो चुके हैं आगे अगर हम बात करें ठीक है तो अगर हम uh, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डब्ल्यू ए uh, एच जिसका नाम क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर एनिमल हेल्थ तो ये जो प्रोमिनट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका पूरा डेडिकेटेड है कि किस तरीके से इसको हम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो हो रहा है इसको कैसे हम इसको दूर करें इसको भगाएं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है अच्छा अगर हम बात करें अफ्रीका की तो अफ्रीका आपका सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस यहाँ पे कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वी और वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है गाइस वी ऑल नो इंडिया आता है आपके एशिया के अंदर ठीक है क्लियर है गाइस बिल्कुल <coughs> बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं वी ऑल नो देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंटार्टिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया तो ये हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं ठीक है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बुक लिखी गई है देखो क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं तो रिविजन चल रहा है ऑगस्ट मंथ के करंट अफेयर्स का ठीक है तो इसीलिए आई होप आई विश आपने uh, इस सेशन को देखे होंगे नहीं भी देखा है तो ये वाले सेशन से हो जाएगा क्लियर ठीक है तो सभी लोगों को एकदम लास्ट तक अंत तक बने रहना है हार्डली मुझे लगता है बीस पच्चीस मिनट का सेशन है उसके बाद तो हम ओवर कर देंगे मंथली uh, यहाँ पे ऑगस्ट मंथ की करंट अफेयर्स ठीक है सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा तक क्लियर एवरी वन चलिए तो इसको यहां पे कंटिन्यू करते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है गाइस, लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर और ये, 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 ये यहाँ पे कबीर को डिपेक्ट करता है आप सभी को पता है हु तो कबीर को यहाँ पे डिपेट करता है और ये जो बुक है ये, ये यहां पे लिखा गया है विपुल रीखी के द्वारा विपुल रिक्खी ने इस बुक को यहाँ पे प्रस्तुत किया है उन्होंने वर्णन किया है जो आपके लोकप्रिय जो हमारे कबीर जी हैं उनके बारे में अच्छा यहाँ पे अगर हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर की कुछ और फेमस बुक्स हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे आपका बीजक है बीजक इज़ वन ऑफ दी फेमस बुक्स ऑफ कबीर उसके अलावा कबीर ग्रंथावली है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस उतनी फेमस और कोई बुक्स नहीं जितनी बीजक और कबीर ग्रंथावली है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट uh, यहाँ पे न्यूज़ uh, क्या थी लेजेंडरी स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी आर राव इनका हाल ही में निधन हो गया था वन ज़ीरो थ्री ईयर्स में आप इनको यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो गाइज याद रखेगा सी राधा राव एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे और यहाँ स्टैटिशियन थे जो आपके uh, अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया था एक वर्ष की आयु में एक आपको चीज़ बता दे रहे हैं ऑबिचुरी से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ऑबिचुरी से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे आपकी आपका कोई फेमस पर्सनालिटी अगर उनका निधन हो गया तो उनके प्रोफेशन के बारे में पूछ लेता है ठीक है याद रखना तो गाइज सी राधा राव एक इंडियन एक इंडियन, इंडियन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे और स्टैटिशियन थे आपके इंडिया के अंदर जिनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया था ठीक है और इनको यहाँ पे एक प्राइज मिला था Uh, इनको यहाँ पे प्राइज मिला है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 जो कि आपके नोबल प्राइज के बराबर होता है ठीक है क्लियर एवरी चलो आगे बढ़ते हैं सीआर राव एक तेलुगु फैमिली में बॉर्न हुए थे गाइस और उस फैमिली का वो फैमिली कहाँ की है बेटा बलारी की है जो कि आपके मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट है और अभी ये कर्नाटका में है ठीक है आगे बढ़ते हैं इनको इस चीज़ को तो हमने पढ़ाई था कि सिक्सटी नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 हमने ऑब्जर्व किया है इसकी विनर की लिस्ट यहाँ पे अनाउंस की गई है अगर हम सिक्सटी नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की बात करते हैं गाइस तो ये आपका नेशनल सेंटर आ, इन न्यू दिल्ली में अनाउंस किया गया था जहाँ पर जहाँ पर अगर बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिली थी रॉकेट को ठीक है बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन थे आपके उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट आरआरआर आरआरआर और का एक फेमस गाना है नातू नातू नातु ना तो नातु नातू ये जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसको ऑस्कर मिला है क्लियर एवरी वन ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसके साथ साथ ऑस्कर मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को भी जो कि एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी ठीक है आगे बढ़ते हैं नरगिस दत्ता अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन है कश्मीर फाइल्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आलू अर्जुन को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगू भाई कैवाडी और कृति सनौन को मित्तल के लिए क्लियर एवरी वन के लिए ठीक है बिल्कुल द एलिफेंट थी बिल्कुल सही है आगे अगर हम बात करें तो हम विमेन इक्विटी डे की बात करते हैं गाइस देखिए विमेन इक्विटी डे हर साल हमने ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट को ऑब्जर्व किया है ये बेसिकली आ, हमारे विमेन्स की राइट को डिपेंड करता है कि मेंस एंड विमेन्स आर ऑल इक्वल और अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है एम्ब्रेस इक्विटी ठीक है एम्बरेज इक्विटी इसका थीम है इस बार का और ये हाँ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया गया था 2001 2021 से लेकर 2026 तक क्लियर एवरीवन चलो आगे बढ़ते हैं अमृत माथुर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट तो इन्होंने ये जो बुक लिखी है ना ये एक तरीके का ये एक अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे इन्होंने क्रिकेट को बड़े ही पास से देखा है क्लोजली उसको गवर्न किया है कि एक्चुअल में क्रिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं तो सारी चीजें अपने बुक के अंदर डाली है इस बुक का नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट बुक है याद रखिएगा और अमृत माथुर के द्वारा लिखी गई है बुक चलो आगे बढ़ते हैं विटरन मराठी एक्ट्रेस है इनका नाम है सीमा देव इनका हाल ही में निधन हो गया 81 इयर्स की uh, उम्र में इन्होंने बहुत सारे रोल किए हैं कोरा कागज में अंदाज अपना अपना में ठीक है और साथ ही आनंद में भी 81 इयर्स की आयु में एज रिलेटेड एलिमेंट्स के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया क्लियर एवरीवन आदित्य सिंह हाय आदित्य हाय अंकिता ठीक है क्लियर एवरी देखो ये इनकी फेमस नोटेबल फिल्म्स थी जिसका नाम क्या है बेटा जगच्चा पथिवार आनंद कोरा कागज अपराध जानकी फिर आपका बेजुबान कोशिश संसार जीवन संध्या ठीक है तो ये इनकी नोटेबल्स फिल्म थी जहां पे इन्होंने काम किया था हाई लव बॉक्स गुड मॉर्निंग कहां थे सभी मोटिवेशन पॉइंट राम 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 आगे बढ़ेंगे गाइस आगे बढ़ेंगे शिव शक्ति पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे अच्छा हमारे एक चीज़ बहुत सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को ठीक है कल मैं ऐसे पढ़ रही थी तो मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ आज अभी सुबह सुबह छः बजे से लेकर अभी सात बजे तक मैंने जो हमारी प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर उसके बारे में हम पूरा यहाँ पे पढ़ रहे थे तो यार मतलब मैं मैं लिटरली बता रही हूँ मतलब जब हम उस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ रहे थे जो हम हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बनी गई है एनडीटीवी पर है डॉक्यूमेंट्री वो पूरी ठीक है उनके बर्थडे पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी तो उसमें पूरा दिखाया था मतलब राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान एज यू ऑल नो ठीक है अमृत उद्यान हम बोलने लगे ना तो अमृत उद्यान का पूरा यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया था सुबह राष्ट्रपति जो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुबह उठती हैं छः बजे वॉक वॉक पे जाती हैं फिर उनका स्टडी रूम दिखाया था अगर किसी ने देखा हो तो वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा Uh, मतलब मैं जब उसको देख रही थी बहुत ज्यादा मुझे प्लेजरेबल लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे एक इंस्पिरेशन मिली द्रौपदी मुर्मू से वो क्या थी और आज क्या हो गई मतलब समझ रहे हो शी वॉज जस्ट अ स्कूल टीचर राइट right. तो वो पढ़ाती थी फिर उसके बाद वो विधायक बनी मतलब 1947 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था ठीक है द्रौपदी मुर्मू जी ने 1947 उसके बाद फिर वो यहाँ पे यहाँ पे वो बनी थी क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं काउंसिलर ठीक है वो काउंसिलर बनी थी फिर काउंसिलर बनने के बाद वो विधायक बनी विधायक बनने के बाद वो गवर्नर बनी और गवर्नर बनने के बाद प्रेसिडेंट बन गई मतलब यार एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है ठीक है और उनकी और उनसे हमें काफी ज्यादा सीखना चाहिए संथल टाइप से बिलोंग करती है बिल्कुल और बड़ी ही ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया है जाकर ऐसे ही करना चाहिए मैम कब से क्लास चल रही है आठ बजे से ठीक है तो अच्छा अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए गाइस याद रखिएगा ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को हम स्पेस डे के रूप में मनाते हैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया है उन्होंने जब हमारा जो यू नो जो आपका चंद्रयान थ्री जब लैंड हुआ था जिस जहां जो लैंड हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अब हम उस दिन को स्पेस डे के नाम से जानते हैं याद रखिएगा स्पेस डे के नाम से ठीक है ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट को हम स्पेस डे मनाएंगे आपसे तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और ये कब से स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट हुआ है ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जहां पर जिस पोजिशन पर ठीक है जिस पोजीशन पर जहाँ पर लैंड हुआ है या आपका रोवर जो लैंड हुआ है वो उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे और जिस पॉइंट पर पूरा आपका चंद्रयान थ्री लैंड होता है उसको बोलते क्या बोलते तिरंगा पॉइंट ठीक है याद रखिएगा तो चलिए अब थोड़ा सा हम शिव शक्ति पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेशनल स्पेस डे बिल्कुल सही है ठीक ना है नातिक नेशनल स्पेस जो ऑब्जर्व करते हैं ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को याद रखना ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगर अब हम शिव शक्ति पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन किया गया है हमारे यू नो आपके जो uh, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो विजिट किए थे आदित्य सिंह बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर सियोटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉलो हाँ हम जगत दीदी बन चुके हैं ना आदित्य tirang बिल्कुल तिरंगा पॉइंट ठीक है चलिए तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन यहाँ पर किया गया है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन को इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था बेंगलुरु के अंदर जहां पर उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि जिस इस जिस जिस पोजिशन पर आपका वो लैंड हुआ है ना उसको हम शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे साथ ही साथ अगर हम आगे इस, इस चीज की बात करें बहुत इंटरेस्टिंग है भाई बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है ये जो शिव और शक्ति जो नाम यहाँ पे रखा गया है वो एक तरीके का हारमोनियसिटीफिकला है मतलब, as well as हमारी चंद्रयान थ्री की जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने साड़ी पहना हुआ था ठीक है तो उन्होंने लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमेंट किया कि आपका ड्रेस डिटरमाइन नहीं करता कि आप क्या हो ठीक है वो मतलब सी Uh, मतलब दे आर साइंटिस्ट एंड एंड दे आर वेयरिंग साड़ी सिंदूर बिंदी और हर चीज़ मतलब पूरे अपने कल्चर में है वो और फिर भी वो साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं ठीक है ठीके? और uh, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी अच्छा फिलहाल के लिए देख लो शिव शक्ति पॉइंट एक हारमोनियस एमलगेमेशन है स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक पावर्स का ठीक है तो ये डिपेंड करता है जो आपकी हमारी जो विमेन साइंटिस्ट का रोल है चंद्रयान थ्री के अंदर ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें uh, ओनम की ठीक है ऊनम से पहले मैं तुमको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आठ द रेट आपका हो गया चलो तो एक स्टोरी मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ एक बार क्या हुआ कि हमारे जो नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं ठीक है आ, वो और उनकी वाइफ जो है वो आ, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे ठीक है और बगल में करीना कपूर जी बैठी थी ठीक है तो करीना कपूर जब उठने लगी मतलब जब 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 वहां पर आपका एरोप्लेन लैंड हो गया तो जब सब लोग जब उतरने लगे वहां से तो मतलब जैसे जो फैंस होते हैं ना जैसे जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं फैंस एकदम घेर लेते हैं है ना सेलिब्रिटीज को तो मतलब करीना कपूर वॉज लाइक इग्नोरिंग देवर फैंस एंड लाइक दिस यू नो मतलब ऐसे ऐसे करके चल रही थी तो नारायण मूर्ति जी को ये बिहेवियर बहुत खराब लगा कि अपने ये इनके इतने एक तो इनते फैंस हैं और उनको इस अच्छा भाव नहीं दे रही हैं उनको उनको मतलब उनका एटीट्यूड वो समथिंग एल्स ठीक है तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई आ, आ, हुआ ये कि आ, क्या नाम था उनका वो कौन से खन्ना थे राजेश खन्ना थे ना हाँ राजेश खन्ना एक बार क्या हुआ कि एक जेंटल पर्सन ठीक है राजेश खन्ना के बगल बैठा हुआ था और वो जेंटल पर्सन जो था वो आपके वो आपके न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ठीक है वो आपके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे तो तो मतलब राज और उनको कुछ नहीं पता था राजेश खन्ना जी के बारे में है ना तो क्या हुआ कि अभी जो आसपास के लोग थे वो तो मूवीज़ देखते थे तो उनको राजेश खन्ना के बारे में बहुत अच्छे से पता था ठीक है लेकिन उस जो जेंटल पर्सन था जो राजेश खन्ना के बगल बैठा था उसको नहीं मालूम था राजेश खन्ना के बारे में तो वो अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था ऐसे तो आ, क्या हुआ कि मतलब लास्ट में जब वो लैंड होने मतलब होने लगा तो राजेश खन्ना जी ने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की स्माइल से कि यार इसको तो पता ही नहीं है मतलब ऐसे ऐसे टाइप का मतलब कि मेरे बारे में पता नहीं है तो ऐसे करके स्माइल स्माइल करके बात करने की कोशिश की ठीक है तो फिर वो मतलब वो भी स्माइल किए फिर उन्होंने कॉफी पास की है ना फिर क्या हुआ फिर जब हो गया लांच जब सब लोग उतरने लगे तो राजेश खन्ना जी ने हाथ मिलाया तो बोले तो उन्होंने हाथ मिलाया स्माइल किया बोला कि आपको पता है मैं कौन हूँ तो वो बोलते हैं मतलब कौन है आप तो वो बोलते हैं कि मैं हूँ राजेश खन्ना तो बोलते हैं ओके 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 तो फिर उ, जब उन्होंने अपना जो जेंटल पर्सन थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैं हूँ जे टाटा तो राजेश खन्ना वो शॉक्ड मतलब सच अ जेंटल पर्सन जे आर डी टाटा समझ रहे हो मतलब जो, जो 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 आपका मतलब वन ऑफ दी बिलेनियर वन ऑफ दी रिचेस्ट पर्सन जे आर डी टाटा उनके बगल बैठे थे कंपनी के मालिक बैठे थे तो गाइज आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपको नहीं पता कि आपके बगल जो बैठा है वो आपसे भी बहुत बड़ा हो है ना तो हमेशा अपना एटीट्यूड बहुत ही हम्बल रखें बहुत ही अच्छा रखें और आ, क्योंकि मुझे मैं ऐसा मानती हूँ मेरा ऐसा बिलीफ है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना मतलब लाइक जो बहुत ही Uh, बहुत बड़े मतलब लाइक like, जो सी कंपनी के या बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका बिहेवियर हमेशा ही हम्बल रहता है वो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी होते हैं जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया होता है ठीक है और साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि जो जो पेड़ होता है अगर उसमें बहुत सारे फल होते हैं तो वो हमेशा झुका रहता है तो हमेशा अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखें एटीट्यूड में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे बड़े बड़े लोग ठीक है इस दुनिया में है और अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात करें यूनिवर्स की बात करें तो आप बस एक तिनका है ठीक है तो हमेशा अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखें और अच्छा रखें चलो आगे बढ़ते हैं ओनम की बात करते हैं तो ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है अभी आ, हम आ, जो दस दिन का ये फेस्टिवल होता है स्टार्ट कब से हुआ था ट्वेंटी स्टार्ट हुआ था और अगस्त थर्टी फर्स्ट तक ये एंड हुआ था ठीक है उसके बाद दस दिन का फेस्टिवल जैसे आपका कौन कौन सा फेस्टिवल है अताम है चित्रा है चोड़ी है विशाम है ठीक है आपका अजियाम है तिरकेटा है मुलाम पूरा उत्तराधुम एंड फाइनली आपका तिरुवनम ठीक है तिरुवोनम फेस्टिवल एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है आपके के केरला के अंदर और जिसको ऑब्जर्व किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं अच्छी स्टोरी है ना अर्पित आगे हम बात करते हैं जी ट्वेंटी समिट दिल्ली के बारे में बात करेंगे जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है देखिए जी ट्वेंटी मैंने आपको बताया था कि जो जी ट्वेंटी का मतलब क्या है जी ट्वेंटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी मेंबर्स जिसमें एक यूरोपियन यूनियन होता है और साथ में आपका नाइनटीन कंट्रीज इसमें होती हैं ठीक है थीके? इसके साथ ही साथ जी ट्वेंटी की अगर हम बात करें तो जी ट्वेंटी इस बार प्यारे भारत इंडिया में जी ट्वेंटी कि जो प्रेसिडेंसी है जो आ, जो होस्ट करेगी वो कौन करेगी इंडिया करेगी और नाइन्थ और टेंथ ऑफ सितंबर को जी ट्वेंटी सम्मेलन होने जा रहा है कहां पर होने जा रहा है न्यू दिल्ली सुशील कुमार बोल रहे मैम भैया ने आपको क्या गिफ्ट दिया है राखी में भैया तुमको पता है मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूं मतलब आई एम दी एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली अमंग दी सिबलिंग ठीक है तो घर में मैं सबसे बड़ी हूँ मे मेरे बाद मेरी एक सिस्टर है और आ, मतलब प्रज्ञा है ठीक है एंड उसके बाद मेरा भाई है और उसके बाद फिर मेरी बहन है तो मेरा भाई तीनों मतलब चारों लोगों में सबसे छोटा मतलब सबसे बीच में और वो एक ही मतलब एक ही भाई है मेरा ठीक है और आ, तो सिंग आ, और हम जैसे बड़े हैं तो मैंने गिफ्ट दिया है उसको ठीक है मैंने उसको जो है कपड़े दिए हैं और जो है राखी बांधी है ठीक है और खूब सारा प्यार में देती रहती हूँ है ना तो तो मैंने उसको आ, हमने दिया है गिफ्ट और वहाँ से पेटीएम आया क्योंकि हम घर जा नहीं पाए ठीक है मेरा घर यूपी में है यूपी सुल्तानपुर में और आपकी क्लासेस चल रही थी ठीक है आपकी थ्री मंथ की करंट अफेयर्स थी मंथली करंट अफेयर्स थी तो हम जा नहीं पाए इस बार बट मैंने अपनी बेस्ट विशेष पहुँचा दी हैं और मुझे पेटीएम हुआ है फाइव तो यही गिफ्ट मिला है मुझे ठीक है <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं जी ट्वेंटी समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये मैंने आपको बता दिया ठीक है अच्छा अगर हम बात करें इसके लोगों के बारे में तो आप ये देख पा रहे हैं ये आपका जी ट्वेंटी का लोगो है ठीक है जी ट्वेंटी का लोगो है अच्छा इसके साथ ही साथ अगर हम जी ट्वेंटी के आ, थीम के बारे में बात करें वी ऑल नो वसुदेव कुटुम्बकम जी ट्वेंटी समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का थीम क्या है वसुदेव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य ठीक है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे फाउंड कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी नाइनटी नाइन चेयरपर्सन कौन है नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाउंडर कौन है ग्रुप ऑफ सेवन मतलब जी ट्वेंटी जो है वो ग्रुप ऑफ सेवन से जी ट्वेंटी जी सेवन से जी ट्वेंटी हुआ है ठीक है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एच एस प्रनोयचे वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ठीक है याद रखिएगा एच एस है एक नंबर में आ सकता है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है ठीक है मेन्स यहाँ पे सिंगल कैटेगरी में बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आदित्य एल इलेवन की गाइज गुड मॉर्निंग प्रमोद कैसे हो ब्लैक डेवल सोना बहुत बढ़िया चलिए इसरो की बात करेंगे तो इसरो ने यहाँ पे आदित्य एल एल को लॉन्च किया है सेकेंड ऑफ को आ, करेंगे मतलब लॉन्च करेंगे श्री हरिकोत्ता से ठीक है ये जो चंद्रयान थी के सफलता के बाद अब हमारा प्यारा भारत इंडिया हमारा जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है ठीक है उसने यहाँ पे अब Uh, एक एक बनाया हुआ है कि अब हम आदित्य एलवन को यहाँ पे लॉन्च करेंगे सेकेंड ऑफ सितंबर को तो ये अब सन के एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे पता करेगा सन का क्या पूरा रोल है समझ रहे हो चांद तक तो पहुँच गए अब सूर्य पर भी पहुँचने की जल्दी है अभी सही है ठीक है ना सही है ना मतलब चांद पर तो पहुँच गए अब सूर्य अब सूर्य पर भी पहुँचेंगे ओ oh माई गॉड आदित्य एलवन है ना ठीक है मतलब बहुत ही बड़ी बात है यार चांद जहा, पे हम लोग पहुंच गए बताओ और मतलब इतना खू जहाँ जहाँ पर वो बना हुआ है क्या बोलते हैं जो छाप जहाँ पे दी गई है उसको तिरंगा पॉइंट बोलते हैं ठीक है जहाँ पे लैंड हुआ ठीक है जहाँ पे लैंड हुआ उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे ठीक है और वहाँ पे एक छाप छोड़ी गई है ठीक है और उस छाप को हमने तिरंगा पॉइंट बोला है और उस दिन को जब हमारा चंद्रयान थी पहुँचा था वहाँ पर उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं ठीक है ये चीज आपको याद रखना है इको गुड मॉर्निंग ठीक है तो ये चीज याद रखना आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा और चलिए अब हम फटाफट से ये हमारा जो हमारा एनालिसिस पार्ट था ओवर हो गया मंथली करंट अफेयर्स का अब हम फटाफट से पढ़ते हैं एमसीक्यूज करते हैं वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मिशन चंद्रयान थ्री ये बहुत लोगों का एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि गूगल पर सिक्स हंड्रेड सेवनटीन सिक्स थर्टी करोड़ दिया हुआ है अप्रोक्स तो अप्रोक्स लिखा है तो यू कैन कंसिडर सिक्स हंड्रेड करोड़ चंद्रयान थ्री का क्या था हाँ आज लेट हो गए ना मैं मुझे बहुत दुख हो रहा था तुम लोग बहुत आज तुम लोग सो रहे हो आज मुझे एक्चुअली मुझे पता भी था कि आज रक्षाबंधन है तो सब लोग उसी में बिजी होंगे ठीक है पढ़ाई र, र, सब सोचेंगे रिकॉर्डिंग्स देख लें है ना चंद्रयान थ्री का कॉस्ट क्या है सिक्स हंड्रेड करोड़ याद रखना ठीक है अप्रॉक्स सिक्स थर्टी दिया हुआ है बट ये सही है ठीक है व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान थ्री सभी लोग बताइए व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान थ्री गाइस इज हाँ बताइए गाइज वट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान थ्री आंसर होगा बी ठीक है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड के जी क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वट द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन बताइए हम्म आंसर होगा ए ठीक है आंसर विल बी ए डी नहीं है बेटा आंसर विल बी ए यहां पे भले डी दिया हुआ है लेकिन डी नहीं है थोड़ा करेक्ट करते हैं इसे ठीक है आंसर विल बी ए क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से ऑन डेट द लैंडर सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम सक्सेसफुल मॉड्यूल ऑन विच डेट आपका इक्कीस uh, तारीख को लैंडर का प्रपोर्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया था तो आंसर विल बी सेवनटीन ऑफ ऑगस्ट नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से वट इज द यूनिक फीचर ऑफ चंद्रयान चंद्री लैंडिंग इन कंपेरिजन टू अदर नेशन ल्यूनर मिशन तो क्या था बेटा ये इस बार साउथ पोल पे लैंड हुआ था ठीक है आपका जो लैंडिंग कहा था मून्स के साउथ पोल पे तो आज ये आ, इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है नेक्स्ट वेन वॉज चंद्रयान थ्री लॉन्च आप सभी को बताए चंद्रयान थ्री लॉन्च कब किया गया था फोर्टींथ ऑफ फोर्टीन ऑफ जुलाई को नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ दी मून इज चंद्रयान थ्री एमिंग टू लैंड नियर कौन से पार्ट पे आपका जो मून है वो लैंड करना चाहता है गाइज हम सभी को पता है आपका जो साउथ uh, पोल है वहाँ पे मून एम करा था लैंड करने को और कर भी लिया नेक्स्ट चंद्रयान थ्री मिशन लैंडर इज नोन एज चंद्रयान्थ्री लैंडर मिशन को क्या बोलते हैं सभी लोग देखिए चंद्रयान थ्री लैंडर मिशन को हम बोलते हैं विक्रम चंद्रयान थ्री मिशन के लैंडर को हम क्या बोलते हैं विक्रम ठीक नेक्स्ट द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर ऑफ चंद्रयान थ्री इक्वल्स टू चंद्रयान थ्री के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन कितना यहाँ पे बराबर है आंसर यहां पर होगा सी फोर्टीन अर्थ डेज ठीक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वट इज द मास ऑफ प्रपोलशन मॉड्यूल यूज इन चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री में प्रयुक्त प्रदोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है कितना है इस द्रव्यमान टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी एट टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी एट ठीक है कड़वाल जी बिल्कुल विच लॉन्चिंग व्हीकल इज यूज इन दी लॉन्च ऑफ चंद्रयान थ्री कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था चंद्रयान थ्री के लॉन्च में जीएसएलवी जीएसएलवी जीएसएल जीएसएल थ्री है लॉन्च किया गया चंद्रयान थ्री को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ठीक है सतीश धवन स्पेस सेंटर नेक्स्ट हु गोल्ड मेडल इन यू सेवनटीन कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंदर सेवनटीन वर्ग में कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं आंसर है किए हैं अनाहत सिंह ने अनाहत सिंह ने अनाहत सिंह ने क्या किया है बेटा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में क्लियर है क्लियर है इको मोहम्मद जामिल थोड़ा आराम से बेटा ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए रिविजन चल रहा है ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है ठीक है बिल्कुल वेयर वॉज द नमो वन जीरो एट वेराइटी डिस्कवर्ड नमो वन जीरो एट वेराइटी कहां पर डिस्कवर की गई थी आंसर यहां पर क्या होगा सी मणिपुर में डिस्कवर किया गया था वन जीरो एट क्या डिनोट करता है आपके वन जीरो पेटल्स को ठीक चलो नेक्स्ट फॉलोइंग इंडिविजुअल हु अमंग इंडिविजुअल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक, बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया फटाफट फड़ से बताओ रिवीजन चल रहा है मंथली करंट अफेयर्स का अगस्त मंथ का आंसर या ठीक है केतन शिवाजी विक्रम ठीक है केतन शिवाजी विक्रम से चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम अग्निफिकेंट कल्चरल सेलिब्रेशन इन केरला स्पैंस ओवर हाउ मेनी डेज ओणम केरल का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है जो कितने दिनों तक चलता है हम सभी को पता है ये दस दिनों तक चलता है टेन डेज ठीक है टेन डेज तक चलता है नेक्स्ट who has been appointed as the CEO of Viacom 18 Business Digital Business Division. Viacom 18 के Digital Business Division के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम सभी को पता है किरण हम सभी को पता है किरण मानी को यहाँ पे observe किया गया है, ठीक है? CEO of Digital Viacom 18's Digital Biz Business Division, किरण मानी. Next, who is the current Governor of Reserve Bank of India? आप सभी को पता है हु इज द करंट गवर्नर शक्ति दास शक्ति दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है ठीक है हाँ, आगे बढ़ेंगे सिटी सिटी हैज बीन एज बेस्ट इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड दो हजार बाईस में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में मान्यता दी गई है ये कल भी हमने पढ़ा था एक बार डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा है इतनी बार पढ़ा देंगे ना रट जाएगा ठीक आंसर यहाँ पे होगा इंदौर इन, ठीक है इंदौर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं ओनम हैर दमिसमेंट ऑफ मलयालम ईयर नोन एज डैश ओनम मलयालम वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जिसे इस नाम से जाना जाता है किस नाम से कोला वर्षम कोला वर्षम से ठीक आंसर यहां पे ई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विमेन्स इक्विटी इक्वेलिटी डे ऑगस्ट ट्वेंटी सिक्स को हमने ऑब्जर्व किया हमने अभी ही पढ़ा है कि थीम क्या है विमेन्स इक्विटी डे का एम्बरेज इक्विटी एम्ब्रेज इक्विटी ये इस बार का थीम है ठीक है एम्बरेज इक्विटी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो अभी हमने अगस्त uh, मंथ का जितने दिन का पढ़ा था पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है हमने मंथली करंट अफेयर्स को कल हमने तीन महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसको भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया है तो फाइनली आपका तीन महीने की करंट अफेयर्स और अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स ओवर होता है और डेली आपके करंट अफेयर्स चल ही रहे थे अब आने वाले टाइम में हम डेली करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स आपके थ्री मंथ करंट अफेयर्स फोर मंथ करंट अफेयर्स इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं विद स्ट्रैटेजी के ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाए और नोट्स मत बनाना नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना बिकॉज नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पी मैं आपको सेंड कर देती हूँ ठीक है कम्युनिटी सेक्शन पर मैंने कल पी डाल दी है सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे उस कम्युनिटी सेक्शन को करंट अफेयर्स बाय विशाली मैम के नाम से ठीक है साथ ही साथ अब याद हो गया ना प्रकृति बिल्कुल साथ ही साथ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट आज लास्ट डेट है जब आपको यूजिंग कूपन कोड वाई फोर फाइव फाइव इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो दी बैच गो एंड एंडेज इट ठीक है रक्षाबंधन का उपहार मेरी तरफ से आपके लिए मैम हाउ टू रिमेंबर ऑल करेंट अफेयर्स बेटा रिमेंबर करने के लिए डेली सेशन देखो रिवाइज करते रहो बस बेटा अब देखो जून से मैंने जून से अगस्त तक कल वाला सेशन ले लिया था तीन महीने की अब रेगुलरली पढ़ना कल एक सितंबर एक सितंबर से रेगुलरली पढ़ना ठीक है चलो सो बाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टूडे आई होप यू लव सेशन मिलते हैं कल सुबह साढ़े सात बजे अपने डेली करंट अफेयर सेशन में सभी लोगों को आना मैंडेटरी है बिकॉज हम यहाँ पे स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं जो आपके जनरल टेस्ट में एक अहम अहम पोर्शन है ठीक है चलिए सो so, सभी लोग अलार्म जरूर लगा लीजिएगा सुबह का और सभी सुबह मेरे साथ ज्वाइन करेंगे सुबह साढ़े साध बजे डेली करंट अफेयर सेशन में अंटिल देन बाय लव यू टेक केयर जय हिंद